फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से फुली डिस्कस करने वाला हूँ कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट है उस लिस्ट को आप कैसे चेक कर सकते हो। तो देखिए आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा लेकिन उसमें आपको 2019, 2018, 2017 का आपको जो लिस्ट मतलब जो लोगों का नाम इंक्लूड हुआ था उसका लिस्ट आपको दिखाया है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो 2020 से 2021 तक का जो लिस्ट है और किन किन लोगों का नाम इंक्लूड हुआ है और किन को घर मिलने वाला है, तो उसका लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताया कि आपको 2020 से 2021 का कैसे लिस्ट देखना है, तो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरे चैनल पर इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इस प्रोसेस को मोबाइल स्क्रीन पे जाके देखेंगे और उसमें कैसे निकलना पड़ता है फुल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स देखिए मोबाइल को ओपन कर लिया, आप भी आपका मोबाइल ओपन कर लीजिए। तो देखिए मोबाइल ओपन करने के बाद आपका जो प्ले स्टोर है प्ले स्टोर पे आपको जाना होगा। तो देखिए मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद जो सर्च बार है सर्च बार में जाके आपको टाइप करना होगा पीएम आवास। तो देखिए जब आप पीएम आवास को टाइप करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा उसमें क्लिक कीजिए और इस ऐप्स को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस प्रोसेस को आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी कर सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगा तो उसमें डायरेक्ट जाके भी आप वेबसाइट में जाके कर सकते हो। तो मैं आपको मोबाइल से दिखा रहा हूँ तो मैं ऐप से आपको दिखाऊंगा जो डायरेक्ट आपको लिंक करवा देगा। तो देखिए इंस्टॉल हो गया, फिर इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देख सकते हो आवास योजना लिस्ट ग्रामीण और आवास योजना लिस्ट शहरी। तो आपको क्या करना है, ग्रामीण पे जाना है तो ग्रामीण पे जाइए और सिटी यानी अर्बन पे जाना है तो अर्बन पे जाइए। फिर आपको क्या करना है तो इस टाइप से एक इंटरफेस ओपन हो जाता है अगर ग्रामीण पे आप जाते हो। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपका जो स्टेट है स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए इधर आपको इंडिया के जितने भी स्टेट है सभी स्टेट इधर शो हो जाता है, तो आपको आपका जो भी स्टेट रहेगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मैं आसाम को सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा आसाम स्टेट है। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप वीडियो को फुल देखिए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कौन सा पॉइंट में जाकर आपको क्या करना होगा। आपको तो मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो भी सिलेक्ट करना है आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको 2020 से 21 का जो लिस्ट है वो कैसे आपको देखना हो वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपका जो ब्लॉक है ब्लॉक करना होगा, फिर आपका जो पंचायत है पंचायत को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो सब कुछ सिलेक्ट हो गया। फिर आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। तो जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा और आपका जो लिस्ट है आपका मतलब जितना लोगों का नाम है आपका पंचायत में सभी का नाम शो हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा लोडिंग हो रहा है, तो देखिए हो गया सबमिट ले लिया। तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे देख सकते हो आपका पंचायत के अंडर में जितना भी विलेज है यानी गांव है सभी गांव का नाम इधर हो जाएगा आपको शो हो जाएगा। फिर आपको इधर देख सकते हो आपका जो आईडी नंबर है आईडी नंबर भी इधर शो हो जाएगा। फिर आपको इस लिस्ट में से आपका नाम ढूंढ के निकलना होगा, मतलब अगर आपको पहले नाम नहीं था तो 2020 में अगर नाम आया है तो आपको ढूंढ के निकालना होगा। तो देखिए इधर आप देख सकते हो 2017 का है, 2018 का है, फिर 2019 का है। तो देखिए एक आपको नाम दिख रहा होगा कि 2020 का है, 20 मार्च 2020 मतलब 2020 में ये सेंक्शन हुआ है। तो देखिए आपको तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे मंथ जाएगा और धीरे धीरे ये ऐड होते रहेगा, 2020 का जितना भी रहेगा वो ऐड होते रहेगा। मेरा गांव पे एक ही ऐड हुआ है तो आपका गांव में हो सकते है कि ज़्यादा लोगों का नाम ऐड हो 2020 में। तो इस टाइप से आप चेक करके देख सकते हो कि आपका नाम 2020 में आया है या नहीं आया है। तो यही होता है चेक करने का तरीका और इसमें आपका सब कुछ डिटेल्स रहता है, आपका फादर नेम मदर नेम फिर आपका जो आईडी होता है वो आईडी भी रहता है। तो इस टाइप से ही इसको चेक करके देखा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इस वीडियो को इतना तक देखा इसलिए थैंक यू। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा और आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू।